भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यही अस्पताल है जी, ये अस्पताल दिल्ली सरकार अपने कागजों में यहाँ जो बना चुकी है, ये तो हम लोगों ने निकाला, इसमें बना चुके हैं। ये वर्क वाज कम्प्लीटेड और 28 जून 2020 को 1256 करोड़ में जो 7 टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना में बना रहे थे वो बन में एक तिरारी में ये बन के तैयार हो गया था। अब ये कहाँ है हॉस्पिटल, चल नहीं पा रहे आप। इस वीडियो में दावा किया गया है कि कागजातों के मुताबिक 28 जून 2020 तक दिल्ली के किराड़ी में 458 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन असल में वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट के अनुसार 27 जून 2020 को इस अस्पताल का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन असलियत में ये अस्पताल सिर्फ कागजों पर ही है। अमित मालवीय ने इसे आपका 1256 करोड़ का घोटाला बताया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक और वीडियो में भी यही दावा किया और उसके तहत अभी हम लोग किराड़ी के 458 बेड वाले हॉस्पिटल पे गए, लेकिन सबसे बड़ी जो वहां से सच्चाई निकल के आई है वो सबको दहला देने वाली है कि जहां 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में ही बन जाने का पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जानकारी दी गई है, उस जगह पे न तो 2020 में कोई परमानेंट हॉस्पिटल बना है और न तो 2021 के टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं। इसके अलावा ये दावा भाजपा दिल्ली ने भी ट्वीट किया। भाजपा नेताओं के दावे को क्रॉस वेरीफाई किए बगैर जी न्यूज हिंदी, लाइव हिंदुस्तान पत्रिका और द हिंदू जैसे मीडिया संगठनों ने भी आर्टिकल में ये दावा शेयर किया। तो क्या वाकई में डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जून 2020 तक दिल्ली के किराड़ी में 458 बेड का अस्पताल बन चुका था? इस सवाल का जवाब है नहीं। मनोज तिवारी समेत भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावे की पुष्टि करने के लिए ऑल्ट न्यूज ने किराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद से बात की। उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी द्वारा किया गया दावा सरासर गलत है। ऋतुराज ने कहा कि 4 अगस्त 2020 को उन्होंने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को किराड़ी में अस्पताल की जरूरत होने की बात बताई थी। ऋतुराज ने इस मौके की ये तस्वीरें भी पोस्ट की थी। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि जून 2020 में ये अस्पताल बनकर कैसे तैयार हो सकता है। अस्पताल के लिए 10 फरवरी 2021 को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन अलॉट की थी और 22 मार्च 2021 को इस जमीन का पजेशन मिला था। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर इस अस्पताल से जुड़ा एक प्रेस नोटिस मौजूद है। इसके मुताबिक इस अस्पताल को बनाने के लिए टेंडर के आवेदन की आखिरी तारीख 11 अगस्त 2021 की थी। टेंडर्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट से ऑल्ट न्यूज को मालूम हुआ कि इस टेंडर की डेट 28 जुलाई 2021 की है। एबीपी न्यूज ने भी इस टेंडर के बारे में खबर दी थी। कुल मिलाकर यहां इतना तो साफ हो जाता है कि किराड़ी में 458 बेड वाले अस्पताल का टेंडर ही जुलाई अगस्त 2021 में निकला था। तो फिर इसका कंस्ट्रक्शन 27 जून 2020 तक कैसे पूरा हो सकता है? यानी भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर गलत दावा किया कि किराड़ी में 458 बेड के अस्पताल का काम जून 2020 तक पूरा होना था, लेकिन प्रस्तावित जमीन पर कोई अस्पताल है ही नहीं, जबकि असल में इस अस्पताल के लिए टेंडर ही अगस्त 2021 में निकला था।